भाई रात के 10 बज रहे हैं, तो जा कहाँ रहे हैं? मैंगलुरु में, मैंगलुरु डिस्ट्रिक्ट के वेनूर विलेज जहाँ पे अभी हम हैं, तो यहाँ पे एक मेला लगने वाला है। कुछ 5 दिन का है, तो शायद 3 दिन हो चुका है। कितना दिन हुआ भाई मेला का? तीसरा दिन है। तीसरा दिन है ना, तो 2 दिन और चलेगा मेला। तो मेला देखने जा रहे हैं। अब क्या है मेले में जाके बताते हैं वहाँ पे। और भैया के जो फैमिली है ना, माता पिता, वो पहले चल गए हैं ओमनी से मेला देखने के लिए। और हम लोग क्या करेंगे, बाइक से भी जाएंगे। तो हम लोग निकल गए। कितने किलोमीटर होगा यहाँ से मेला? 6 या 8 किलोमीटर, 7-8 किलोमीटर। और जंगल के बीच पहुंच गए मेन मंदिर। यार थोड़ा सा भी नहीं उठा। अरे एक ग्रिप मिलना चाहिए इसको। नहीं, काफी वजन है। एक भैया लगे अरे भाई। यार अभी यहाँ पे क्या है कि वो बड़ा वाला जो पत्थर था ना, उसमें कुछ ग्रिप नहीं है, लेकिन पकड़ के उसको उठा के कांधे में लादना था, तो कोशिश किए यार, हल्का सा भी उठा नहीं। और वहाँ पे सारा कोई कर रहे हैं वो पत्थर उठाने वाला। और जो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है कि दो नारियल आपस में मतलब उसको टकराते हैं, ठीक है, और जिसका नारियल फूट गया ना, और इसमें बैट भी लगता है, मतलब कि कुछ क्या लगता है, पैसे लगाते हैं। जिनका नारियल फूट गया वो पैसे देगा, और जिनका नारियल नहीं फूटा वो पैसे लेगा। और नारियल भी लेता है, नारियल भी लेता है वो, फोटा हुआ नारियल है ना। अच्छा, भी लेता है वो। और यहाँ का जो मंदिर है ना, अभी थोड़ी देर पहले जो व्यू देखें आप, इसके बारे में कुछ बताइए। फिर भी आपका सो गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है एक नई सुबह में।
अभी हम हैं अपने होस्ट के घर में और अभी क्या है कि जो सतीश भाई है ना, तो सतीश भाई का जो मम्मी है उनको बस बिठाना था और हम लोग सुबह भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं सतीश भाई। और ब्रेकफास्ट में क्या है, क्या नाम इसे बोलो? मंगलूर भज्जी। मंगलूर भज्जी मतलब मंगलुरु का ये फेमस है ना लोकल डिश है मंगलूर भज्जी। और ये बंस है, बंस बंस बोलते हैं, वो भी मंगलूर का है, कहीं नहीं मिलेगा वो बंस। मंगलूर भज्जी बंस और ये वो यही बंस है। अच्छा। ये मंगलूर भज्जी है तो ये वाला बंस है। और ये चटनी? हाँ ये चटनी। किस चीज़ का? ये नारियल का। अच्छा नारियल का चटनी है ये। मंगलूर भजी बंस और ये नारियल का चटनी। और ये रहे अंकल प्रणाम। तो सुबह के ब्रेकफास्ट में ये है। और यार यहाँ पे आलू यूज़ कम करते हैं सब्ज़ी में, जैसे बीट का सब्ज़ी। सब्ज़ी और किस चीज़ का खाने में? हर तरह का मिलता है आलू छोड़ के। आलू भी बनाते हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, कम ना। अभी तो दो बार हम खाना खाए जिसमें आलू हमें दिखाई नहीं, सिर्फ बीट का सब्ज़ी और ये नारियल का चटनी। साउथ इंडिया में आए और सांभर नहीं मिला तो फिर काहे का साउथ इंडिया। भाई इसी का बचा हुआ था सांभर। साउथ इंडिया में सांभर और चटनी ये सब तो आम बात है। साउथ इंडिया का जो सांभर है ना, वो इसका टेस्ट आपको नॉर्थ इंडिया में बहुत कम ही देखने को मिले। आपको हिंदी आती है? हिंदी नहीं, हिंदी नहीं। पढ़ लो कन्नड़ और चाय था। और अभी क्या है, हो गया नाश्ता कंप्लीट, चलना है वापस इधर से। भाई जो है अभी मोटर ऑन कर दिया और चाय पीने के बाद इनके यहाँ पे बागान में आए थे। और ये सब जो दिख रहा है ना, सुपारी का पेड़ है और पानी का ज़रूरत है ना जी इसमें, तो ये सिस्टम कुछ है। पानी के लिए ऐसे ऐसे करके घूमता है, ये ऐसे ऐसे करके घूमता है, तो पानी जो है वो इससे निकल कर पूरा फैलता है इधर। और अभी सतीश भाई के यूँ मान लो कि जो सुपारी का जो पेड़ है ना, तो इन लोग खुद लगाते हैं, खुद लगा के बिक्री करते हैं, तो इनका पानी यहाँ से कुछ पानी हो गया है स्टार्ट यार। बच के भागो। अरे बच्चे चलिए, ये आप ही का है ना? हाँ। अरे भाई ध्यान से। अभी क्या था कि डव नहीं, पानी है इसमें, आवाज नहीं कर रहा। नहीं पानी फुल है तो आवाज़ नहीं करेगा ना, पानी फुल है इसमें। अभी क्या था कि अभी हम ऊपर जाने वाले थे लेकिन भाई चल गए, लेकिन कोशिश हम करेंगे थोड़ा इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं।
बंदर को पता नहीं है चढ़ने का, फिर भी चढ़ रहा है। अरे यार मेरा एनर्जी खत्म हो गया। नहीं छोड़ो, उतरने के लिए नहीं होगा बाद में। उतरना सर, ये क्या करे, तोड़ दे। नहीं नहीं छोड़ो, बस काफी ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, बस यहीं तक मेरा लास्ट स्टॉपिज है। रस्सी रहता पूरा चढ़ जाते ऊपर हम। बोलो कुछ बोलो, क्या कैसा लग रहा है ऊपर? अबे पसीना हो रहा है। रस्सी रहता ना चढ़ जाते पूरा ऊपर तक। और अब जा रहे हैं घर। चलिए करते हैं। यहाँ का है कच्चा रास्ता। और यार ये दोनों साइड जो पेड़ दिख रहा है ना, अरे भाई कितना विशाल पेड़ है ये। ये तो 100 ईयर का होगा। इस पेड़ का खासियत क्या है कि इस पेड़ से जो लठ निकलता है ना, वो दिए में यूज किया जाता है। इसका ये जो लठ है ना, ये दिए में जलाने के लिए काम में आता है। और भाई साहब वही लठ अभी निकाल रहे हैं। इससे भी आग भी जलेगा, आग जलेगा। लेके चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी वो जो लठ के बारे में बात कर रहे थे ना, वो आग जलाने में काम आता है, मतलब दिए जलाने में। तो थोड़ा सा ले लिए हैं ताकि रूम में जाके ट्राई करें। और अभी क्या है कि घर में आने के बाद वो जो जलाने वाला जो बताए थे ना कि दीपक जलता है, तो उसी को कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। अच्छा इसका जलता है ना, अभी सीधा जलेगा। मजा आ गया जी। ये है नेचुरल लठ। और इस पेड़ का नाम क्या है? देखो पेड़ का नाम पता नहीं मुझे। स्मेल थोड़ा बहुत वो कपूर डाल जैसा लग रहा है, वही है। और पहले हमें पता नहीं था कि आग जलेगा, बोले चलो यार ट्राई करके देख लेते हैं। ये देखिए कितना, ये देख रहे हैं। और बचा है, देख रहे हैं। इसमें और भी है, और भी निकाल सकते हैं। निकाल के देखेंगे, निकाल के देख ही लेते यार। इतना लाए हैं काट वाट के, तो फिर एक्सपेरिमेंट कर ही लेते हैं ना। हो गया। अरे भाई पानी पूरा भरा हुआ है। ठीक है, देखें इसको ऐसे ही पिज़्ज़ा। कैसा है टेस्ट? खाने के लिए इसका अंदर का चम्मच बनाते हैं। चम्मच हो गया, चम्मच। अच्छा
अच्छा इसके अंदर जो निकलेगा सुनो ना, अच्छा इसे खाने के लिए सब लोग बड़ा खाया, मुझे तो इतना छोटा दे दिया। कोई नहीं पान मैं पेड़ से निकाला, मैंने काटा, मैंने मिला इतना छोटा। तो सभी सभी में उतना छोटा होगा ना। हो गया पानी ख़त्म, और इसके अंदर का वो जो निकलेगा ना वाइट वाइट सा, तो उसे भी खाना है। हम खुद काटें? ट्राई करूँ, हाथ में आता है। अच्छा हाथ में, तो आप ही कीजिए। इसे बीच में फाड़ने के चक्कर में मेरा हाथ चला जाएगा, इसलिए बोलो नहीं, ये तो भैया ही काटेंगे। अरे काट लेंगे हम भी, दिखाओ सिर्फ ऐसे ही पकड़ के। हाँ करो, उल्टा साइड पे डालो एक बार इधर। नहीं नहीं ये हो गया ना। वाह, अब इसकी इसे खाने के लिए इसे खाने के लिए चम्मच है, चम्मच नेचुरल। इसे नारियल बनने में और कितना दिन लगता? वो 2-3 महीना लगता है। हो गया। क्या नाम है इसका? इसका नाम इधर जुम्बली बोलते हैं। जुम्बली? हाँ। क्या सब्जी है या फल? नहीं नहीं, वो थोड़ा ये है क्या बोलते हैं, इमली टेस्ट है, खट्टा। क्या बनता है इसे सब्जी? सांभर बनाते हैं। सांभर खाने के लिए दे भाई, खा भी सकते हैं इसे। ऐसे ही खट्टा लग रहा है? बहुत ज़्यादा खट्टा है। रसम रसम बनाते हैं उस पर, सांभर नहीं रसम बनाते हैं। रसम ऐसे ही कच्चा या फिर ये पकता है? हाँ पकता है, जल्दी पक जाता है वो। तो कच्चा वाला बनाते हैं कि पका वाला? नहीं कच्चा वाला बनाते हैं। पकने के बाद थोड़ा स्वीट हो जाता है, नहीं तो पानी पानी आता है उसके अंदर। तो भाई सब हो गए रेडी और हम भी। चलो बगान था ना, वहाँ से आने के बाद हम लोग खाना खाएं। और खाने में क्या था वो? चिकन, चिकन सुक्का, चिकन सुक्का, इडली, और एक और आइटम था ना। हाँ वो इडली सांभर है, चिकन सांभर। चिकन सुक्का, चिकन सांभर और इडली खाने में था, और चावल। तो उस टाइम वीडियो नहीं कर पाए, कुछ कारण था यार। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहुबली का स्टैचू देखने, है ना। हुआ है ना कि हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि कर्नाटक में भी हमें इस तरह का मौसम मिलेगा, देखने को मिलेगा। धूप बहुत तेज था यार, और आज मौसम लग रहा है कि बारिश टाइप ऐसा। लेकिन अच्छी बात यह है कि गूगल वेदर के हिसाब से बारिश वाला मौसम नहीं है, सिर्फ ऐसे छाव किया हुआ है अभी। लेकिन गूगल को पता नहीं है। हाँ गूगल को पता नहीं है, बारिश कभी भी आ सकता है।